नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राहुल गांधी के लिए तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ही बहुत कुछ लिख दिया है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, उनकी जो सांसदी थी जो चली गई थी उस सदस्यता को भी बहाल करने का निर्देश दे दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को जितनी बड़ी राहत मिली उतनी ही खुश उनकी कांग्रेस पार्टी हुई। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ लिखा है। हमने वीडियो की शुरुआत में इसलिए कहा था क्योंकि तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया है अभी से ठीक कुछ देर पहले, जिसमें न सिर्फ राहुल गांधी के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की है, राहुल गांधी के लिए सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बीजेपी की सरकार पर भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखते हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। तेजस्वी यादव ने लिखा है, चंद घंटों में सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर जिस तत्परता और खुशी के साथ बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बहाल करने में इतनी देरी क्यों? 9 वर्षों में संविधान और लोकतंत्र को रौंदने और नफरतों और विफलताओं का पहाड़ खड़ा करने वाली मोदी सरकार क्या विपक्ष और जनता की एकजुटता से घबरा गई है? तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए आवाज उठाई है और कहा है कि जब राहुल गांधी की सदस्यता बड़ी खुशी के साथ सरकार द्वारा ली गई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया है, जब राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल होनी है, जब संसद में उन्हें एक बार फिर से जाना है, तो ऐसे में मोदी सरकार देर क्यों कर रही है? तेजस्वी यादव ने यह भी लिखा है कि जनता की एकजुटता और विपक्षी एकजुटता से मोदी सरकार घबरा गई है। आपको पता है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है, तो उसी को लेकर के जहां एनडीए तैयार हो रहा है तो वहीं इंडिया भी तैयार हो रहा है। इंडिया यानी कि बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक के बाद जो नाम दिया गया INDIA, उसका कुनबा भी बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और भी बड़ा करने की, और मोदी सरकार को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। और दम ये भरा जा रहा है कि पूरा कुनबा एक है, इंडिया एक है, और इंडिया ही मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सरीखे विपक्षी गठबंधन के जितने भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, यहां के भी और बिहार के बाहर के भी, वो यही बातें कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और राहुल गांधी के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और साफ कहा है कि चंद घंटे में सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर जिस तत्परता और खुशी के साथ, सोचिए राहुल गांधी की राहत पर तेजस्वी यादव ने यहां तंज कसा है और कहा है कि जिस तत्परता और खुशी के साथ मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता ली थी, वैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसे बहाल करने में देरी क्यों की जा रही है? तो बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव का, हालांकि इसका जवाब जल्द ही उन्हें मिल सकता है। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के लिए जो अन्य बातें लिखी हैं, उसका जवाब क्या मिलता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है? क्योंकि साफ कह रहे हैं कि 9 वर्षों में संविधान और लोकतंत्र को रौंदने और नफरत और विफलताओं का पहाड़ खड़ा करने वाली मोदी सरकार क्या विपक्ष और जनता की एक जुटता से घबराने लगी है? ये सवाल हो रहा है और इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। विजय सिन्हा ही बिहार में दे सकते हैं, सम्राट चौधरी दे सकते हैं, अन्य कई नेता दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, आखिर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।